हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। ट्रैक्सलर काउंटर अटैक लास्ट टाइम हमने देखा था, मेरे अगले वीडियो में आपको बताया था। e4 e5 वाली लाइन में नाइट f3 जो मेन बिशप ओपनिंग। दोस्तों मैंने जैसे कि बताया कि bc4 होता है, nf6 के बाद अगर वाइट नाइट g5 खेलता है तभी ये अटैक आप कर सकते हो, काउंटर अटैक। वाइट प्लेयर को ऐसा लगता है कि वो अटैक में, लेकिन बेसिकली ब्लैक ही अटैक कर रहा है इसमें। तो देखते हैं आगे के वेरिएशन। नाइट g5, इसमें बिशप c5 और हमने देखा था नाइट क्रॉस f7, बिशप क्रॉस f2, सैक्रिफाइस किंग टेक्स f2, उसके बाद नाइट e4 चेक। यहाँ तक के मैंने सारे वेरिएशन बता दिए, ऐसे कि किंग f1, किंग e1, एक वेरिएशन बाकी रह गया था किंग g1। किंग g1 काफी हद से मतलब अटैकिंग फॉर ब्लैक, ब्लैक से अटैक ज्यादा होता है इसमें। क्वीन h4, यहाँ पे क्या है थ्रेट, f2 चेकमेट। व्हाइट को कंपल्सरी मूव g3 खेलना पड़ेगा। डिफेंस में अगर जैसे कि लाइक क्वीन e2 किया तो नाइट d4 और भी अटैक आते हैं, तो यहां से व्हाइट के लिए बेस्ट चॉइस क्या है, g3। g3 के बाद ऑलवेज नाइट g3 आता है, देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों नाइन्थ मूव में एच क्रॉस g3 एक वेरिएशन ये है, दूसरा वेरिएशन है नाइट क्रॉस h8, तो पहले देखते हैं एच क्रॉस g3। hg3 में सिंपल क्वीन टेक्स g3 चेक, किंग f1 ओनली ऑप्शन है, रूक f8, नाइट ऑटोमेटिकली पिन होता है, वाइट ट्राई करेगा d4, यहां पे आपको खेलना है नाइट टेक्स d4। या एक और भी मूव है आपके पास d5 काउंटर अटैक, बिशप d5 और उसके बाद बिशप सैक्रिफाइस, बिशप h3। अब दोस्तों ये तो फोर्स मूव है रुक इनटू h3, और रुक h3 में क्वीन h3, उसके बाद किंग g1 और फिर नाइट टेक्स d4, वाइट खेलेगा c3, आफ्टर क्वीन g3, किंग h1 और फिर ब्रिलियंट मूव रुक d8। अब आप देख सकते हो कि नाइट d8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेकमेट की थ्रेट तुरंत आ गई और यहां पे बिशप पे भी अटैक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहता है पॉन टेक्स नाइट, लेकिन आफ्टर पॉन टेक्स नाइट रुक टेक्स बिशप, ये भी गेम ब्लैक के फेवर में हो जाएगी, ये रुक भी मरता है और कंप्लीटली किंग डिस्ट्रॉय हो चुका है। दोस्तों दूसरा वेरिएशन देखते हैं, नाइट h8 अगर करता है तो क्या होता है, जैसे कि हमने नाइट g3 किया, व्हाइट अगर आपका नाइट टेक्स रुक मारता है तो नाइट h8 में यहां आपको खेलना है नाइट d4, एक वेटिंग मूव है, नाइट टेक्स रुक नहीं मारना है वरना क्वीन डेवलप होके डिफेंस में आ जाएंगे। नाइट d4 के बाद hg3 और क्वीन g3 चेक, किंग f1 ओनली ऑप्शन है और यहां से कंप्लीटली गेम आपके फेवर में है क्योंकि किंग f1 के बाद आप d5 करोगे और बिशप h3, वही सेम सिचुएशन आ जाएगी। तो ये दोनों वेरिएशन देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, और इससे पहले मैं जितने भी वेरिएशन आपको बताए हैं उसको पहले लर्न कर लीजिए। किंग f2 के बाद नाइट e4 के बाद जितने भी वाइट के किंग के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चॉइस है वाइट की और 6 चॉइस मैंने आपके सामने रख दी है।
और आशा करता हूँ इसमें खेलने में बहुत मजा आएगा आपको। बहुत अटैकिंग लाइन है, कुछ भी आपको खोना नहीं है इसमें, ध्यान रखें। मतलब आप प्लस ही है गेम में, सिर्फ दिख रहा है वाइट को कि उसे एक्सचेंज मिल रहा है, कम्प्लीटली रुक मिल रहा है। लेकिन इतना सारा अटैक जब होता है और ओपनिंग में ही किंग डिस्ट्रॉय हो जाता है तो गेम को संभाल नहीं सकते हैं। तो चलिए, ये दूसरा वेरिएशन हो गया। पार्ट थ्री में मैं इसी वीडियो का तीसरा भाग बनाऊंगा, उसमें हम जैसे कि बिशप F7 और किंग के मूव्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि E4 E5। बिशप F7 में या तो अगर किंग मूव कर देता है, बिशप को नहीं लेता है, तो क्या करना है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि नाइट F7 के बदले अगर व्हाइट ने बिशप F7 खेला तब आपको क्या करना है। उसके बाद आपके पास इस लाइन के पूरे मूव्स आ जाएंगे, फिर आप बहुत ही बढ़िया तरीके कैसे गेम खेल सकोगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो जल्द ही आपको नया वीडियो मिले।